धरने पर बैठे हैं। नरेंद्र प्रताप लगातार हमारे साथ है। नरेंद्र, काफी लंबा जाम देखने को मिल रहा है, हजारों किसान धरने पर बैठ गए हैं, 709 भी पूरी तरह से जाम हो गया है, क्या स्थिति है, आप हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए। किसानों ने रोक दिया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय किसान यूनियन के नेता, उनके कार्यकर्ता, इसके अलावा आरएलडी के कई सारे नेता यहाँ जाम लगाकर बैठे हैं। और उनका कहना है ये जाम जो लखीमपुर में कांड हुआ है, जो हिंसा हुई है किसानों के साथ, उसके मुखालफत में, उसके खिलाफ है। और अब स्थिति ये है कि कल सुबह, ये अभी हाल ही में सिसोली से खबर आई है कि वहां पर पंचायत में ये निर्णय दिया गया है कि सभी जिला मुख्यालयों पर जो किसान संगठन है, किसान बाकियों के हों, चाहे वो किसान मोर्चा से संबंधित हों, सारे लोग जो हैं वो सुबह 10 बजे वहां पहुंचकर और जो जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन भी पूरे दिन करेंगे। तो अब एक जो स्ट्रेटजी है कल की वो तैयार कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां पुलिस के सामने है। आईजी रेंज जो है मेरठ के, वो इस समय गाजियाबाद में दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर हैं और अपने माथा अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कल इन सब चुनौतियों से किस तरीके से निपटना है। पूरे वेस्टर्न यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है, सभी अधिकारियों को चेता दिया गया है कि कहीं कोई अगर गुंजाइश रहती है तो उसका बड़ा खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ सकता है। किसानों में जबरदस्त आक्रोश है, तनाव की स्थिति है। बिल्कुल तनाव की स्थिति है, जबरदस्त स्थिति है, जाम करके बैठे हुए हैं क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं लगातार जो किसानों के साथ हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई किलोमीटर लंबा जाम है। हमने चाहता कि हिंसा हो मामला, कि ये एक दो आदमी ने चिन्हित कर लो, 5-5 हजार में लग रहा है काम में।